हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का ब्राइटनिंग फेस सीरम का। इसकी आउटर पैकेजिंग इस टाइप की कार्डबोर्ड बॉक्स में है और ये 30 ml का प्रोडक्ट है। ये ऑनलाइन में ईजिली मिल जाते हैं, तो अप्रॉक्स 325 rupees तक। तो इसका MRP जो है 599 rupees है और इसकी इनर पैकेजिंग इस टाइप की ग्लास बॉटल में है। तो ये 100% ऑर्गेनिक एंड सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। ऑल्सो ऑल स्किन टाइप के लिए ये सीरम है। तो ये सीरम क्या करता है कि स्किन पर जो पिगमेंटेशन होते हैं उसको रिड्यूस करता है, दाग धब्बे को हल्का करता है, जैसे कि एज ए स्पॉट, डार्क स्पॉट्स, पिंपल मार्क्स, जितने भी प्रॉब्लम होते हैं स्किन पर ये सबको लाइट करता है। इसके अलावा ये मेलानिन प्रोडक्शन को कम करता है और साथ ही स्किन को जो हेल्दी एंड ग्लो भी देता है। इसके अलावा ये सीरम जो है आपकी स्किन को सन डैमेज से और झुर्रियों से भी बचाता है, साथ ही स्किन को इवन भी करता है, स्किन को मॉइस्चराइज एंड नरिश भी करते हैं। तो बात करें इसमें यूज़ के इंग्रेडिएंट के बारे में, तो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है ककाड़ू प्लम, अकाई बेरी एंड राइस वाटर। तो ककाड़ू प्लम में विटामिन सी भरपूर पाया जाता है, ये स्किन को चमकदार बनाने में मदद करता है, साथ ही स्किन को डैमेज होने से भी बचाता है। अकाई बेरी में एंटी एजिंग के गुण पाए जाते हैं, ये कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है जो स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन पर कसाव लाता है। देन थर्ड इंग्रेडिएंट जो राइस वाटर है, तो राइस वाटर एंटीऑक्सीडेंट एमिनो एसिड से भरपूर होता है जो एजिंग प्रोसेस को जो है स्लो डाउन करने में हेल्प करता है, स्किन को टाइट करता है, स्किन पर कसावट लाने में हेल्प करता है। सो गाइज, ये सीरम को जो है आप दिन में 2 बार लगा सकते हो, मॉर्निंग एंड नाइट में। मॉर्निंग में चाहे आप ना ही लगाओ, रात को ज़रूर विटामिन सी सीरम को लगाना चाहिए। रात को स्किन जो है अच्छे से रिपेयर होती है, रात को सीरम जो है अच्छी तरह से काम करता है। 2-3 बूंद आपको लेना है और अपने फेस पर टैप टैप करके लगाना है और रात भर लगे रहने देना है। सुबह स्किन फ्रेश एंड ग्लोइंग प्लम दिखने लगेगी, इवन दिखेगी। रोज़ रात को लगाना है, दिन भर स्किन फ्रेश एंड ग्लोइंग दिखेगी, ठीक है। सो गाइज, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, हर कोई प्रोडक्ट जो आपको सूट नहीं करता है, तो इस सीरम को लगाने से पहले एक बार पैस्टर जरूर ले लेना। ऐसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबको सूट कर जाता है, फिर भी फेस पर लगाने से पहले पैस्टर जरूर ले लेना चाहिए। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी रिव्यूज कुछ हेल्प मिली हो, रिव्यू अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।